अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुलाम कादर रहीला बड़ा जालिम इंसान था। उसने तैमूर लंग को कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसकी आंखें निकाली और उसके बाद उसके खानदान को जमा किया कि मेरे सामने नाचें। तो उन्होंने कहा, देखें जी, पहले आपने हमारे बाप को कत्ल किया और अभी ये आप हमारे साथ जुल्म ना करें। हमारे साथ शाही खानदान की बच्चियां हैं, हम पर्दादार औरतें हैं, तो ये जुल्म आप हमारे साथ ना करें। तो अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रोहिला किस तरह जालिम जफा जो कीना परवर था, रोहिला किस तरह जालिम जफा जो कीना परवर था, निकाली शाह तैमूर की आंखें नोके खंजर से, फिर दिया एले हरम को रक्स का फरमा सितमगर ने, ये अंदाजे सितम कुछ कम न था आसारे मैशर से, रखा खंजर को आगे और फिर कुछ सोच कर लेटा, तकाजा कर रही थी नींद गोया चश्मे अखमर से, फिर उठा और तैमूरी हरम से यूं कहने लगा कि शिकायत चाहिए तुमको ना कुछ अपने मुकद्दर से, मेरा मसनत पर सो जाना बनावट थी तकल्लफ था, मेरा मसनत पर सो जाना बनावट थी तकल्लफ था, कि गफलत दूर है शान सफ आर्याना लश्कर से, ये मकसद था मेरा इससे कोई तैमूर की बेटी, मुझे गाफिल समझ कर न मार डाले मेरे खंजर से। लेकिन ये राज खुल गया आखिर सारे जमाने पर, लेकिन ये राज खुल गया आखिर सारे जमाने पर, हमीयत नाम है जिसका, हो गई तैमूर के घर से।